अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे और अच्छे होंगे। आज मुझे जाना है नेशनल म्यूज़ियम जो कि इधर रियाद में इसकी लोकेशन है, तो मुझे आज वहीं पे जाना है। वो 9 से 7 बजे तक खुला रहता है दिन में, और मुझे वहीं पे जाना है। वहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, आपको भी दिखाएंगे, और लाजमी इस वीडियो को एंड तक देखिए। और मज़ा, बहुत मज़ा आने वाला है। और आप लोगों का लाइक और आप लोगों का शेयर बहुत मायने रखता है मेरे लिए, और फॉलो भी करिए ताकि मैं भी किसी स्टेज पे पहुँचूँ। तो आपका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार रहूँगा। और चलिए अभी गाड़ी का इंतज़ार करते हैं, गाड़ी आने वाली है, तो गाड़ी में चढ़ के आपको मैं दिखाता हूँ कब जाना है, कैसे जाना है। तो चलिए वहीं पे मिलते हैं आपको। अभी हम गाड़ी में चढ़ गए यार रास्ते में, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है इस टाइम, तो आप भी देख सकते हो ट्रैफिक कितना है। खास तौर इस वाले रूट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, और ऊपर से रियाद में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। उसको पूछो जो रियाद में रह चुका हो, उसको बोलना चाहिए कि ट्रैफिक कितना होता है रियाद में। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। अभी मुझे आधा घंटा लगेगा जगह तक पहुँचने के लिए। भाई लोग, ये है नेशनल म्यूज़ियम रियाद का। तो अभी हम जाएंगे अंदर, ये इसका एंट्रेंस है। यहाँ से आप जा सकते हो एंट्रेंस के लिए। तो एंट्रेंस के लिए मुझे जाना है। अभी मैं जाता हूँ अंदर, अभी देखता हूँ टिकट कितने का है और क्या है, तो देखते हैं उधर, ठीक है ना। चलिए अंदर जाते हैं, पहले उधर देखते हैं अलाउड है नहीं है, अलाउड कैमरा का तो क्या सीन है, तो देखते हैं उधर। अभी रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। और ये है म्यूज़ियम, आप देख सकते हो, ये है म्यूज़ियम, ये देखो आप, ये क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स साइन है, ये इधर दिखा है कुछ, और ऊपर से ये पूरा ये प्लैनेट्स का यूनिक स्ट्रक्चर बना के रखा है यहाँ पे, आप देख सकते हो। और ये बहुत अच्छा है, मेंटेन करके रखा है पूरा, ये आप देख सकते हो पूरा है, ये आप देख सकते हो, ये हाथी के वो दांत है। हाँ देखो, ये आप देखो पूरा ए टू जेड है यहाँ पे, आप हर कुछ इधर मैसर है इन लोगों ने रखा है। और ऊपर से ये भी अच्छा है कि इन लोगों ने लिख के रखा है क्या क्या है। ये फोसिलाइज्ड ट्री ट्रंक है, अच्छा लिखा है इन लोगों ने। ये क्रूड ऑयल है, जो जब इनका जो क्रूड ऑयल है ना, जो जब वो निकला था तो उस टाइम इन लोगों ने सिंपल रखे थे, तो आप ये देख सकते हो, देख सकते हो ये क्रूड ऑयल है यहाँ पर लिखा हुआ क्रूड ऑयल। आप देख सकते हो इन लोगों ने पूरा ये आराम से मेंटेन करके रखा है, हर कोई देख सकता है, चाहे वो फॉरेन कंट्रीज़ का हो, यूरोपियन हो या कोई भी। यहाँ पे आप देख सकते हो यूरोपियन फैमिली इकाई है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये है यूरोपियन फैमिली। और एक यूरोपियन मुझे मिला, तो मैं अभी वहाँ पे क्रूड ऑयल के पास था, तो उसने बोला कि क्रूड ऑयल, यस, मैं बोला हाँ, दैट्स व्हाई दैट्स हाउ दे बिकम रिच, और वो हंसने लगा उधर से। और ये पत्थर है, थोड़ा डिफरेंट काइंड्स ऑफ पत्थर है इन लोगों ने रखे हैं यहाँ पे। ये बहुत पुराने, बहुत ज़्यादा पुराने क्या बोलते हैं वेसल्स है जो ये यूज़ करते थे खाने पीने में,
आप देख सकते हो आधा फूटा टूटा फूटा भी है वो, इन लोगों ने वो भी ऐसे रखा है, कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया। और वहाँ पे भी आप देख सकते हो ये भी इसी का है, जो एक तो वहाँ पे इसमें हुक्का शुक्का शायद पीते थे, और ये थोड़ी छोटी छोटी बावलियाँ जो है जहाँ जिसमें वो कहवा वहाँ पीते थे। ये आप देख सकते हो वैसा वैसा कुछ है इसमें, इन लोगों ने कोई एक्स्ट्रा यू इस पर कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया है, वैसे का वैसा ही है जैसे था वैसा ही है, बस थोड़ा सा साफ सफाई की है और कुछ नहीं है। और आप देख सकते हो ये भी है एक, आप देख सकते हो मैदान साल है, ये आप ऐसे ही देख सकते हो वर्चुअली, आप यहाँ पे इन लोगों ने स्क्रीन रखी है, आप देख सकते हो मैदान साल है जिसको हुजूर पाकिस्तान ने हमारे लिए ख़ास तौर मुस्लिमों के लिए हराम करार दिया है कि आप वहाँ पे मत जाओ। वहाँ पे एक ये दो जगह है, एक अल उला और मैदान सालिया। मैदान सालिया में हमें जाने की मनाही है, बट वो हम अल उला जा सकते हैं। ये एक पैलेस हुआ करता है, ऐसे आप देख सकते हो ये पैलेस हुआ करता था इस शक्ल का, जो कि इन लोगों ने यहाँ पे रखा है बना के ऐसे ही एज इट इज। ये एक तो एक क्या बोलते हैं इसको स्वॉर्ड एंड स्पियर, ये दो दो, और एक तो ये घोड़ी की जो क्या बोलते हैं उसको सीट है ना, वो है ये पूरा जो पुराने ज़माने में ये लोग यूज़ करते थे घोड़ों पे, ये पूरा ऐसे है इन लोगों ने, ऐसे आप देख सकते हो। ये हैंड रिटन कुरान है, इसके वास्ते मैं इधर आया कसम से, ये मुझे देखना था बस। ला इलाहा इल्लल्लाह ला शरीका लहु वल हम्दु वला ला कुल्लि शैइन कदीर, ये कापी है ना, मैनुस्क्रिप्ट ऑफ होली कुरान एट्रिब्यूटेड टू द थर्ड खलीफा उस्मान बिन अफान, डेट्स बैक टू द ईयर 30 हिजर 650 AD। ये ओरिजिनल है, जो तोपा कापी म्यूजियम इन इस्तांबुल में रखा गया था, तो उसके बाद ये यहाँ पे लेके आए इन लोगों ने। तो ये हैंड रिटन है, पूरा हैंड रिटन कुरान, जो एक्चुअल कुरान है हैंड रिटन में, ये वो है आप देख सकते हो। ये अरबिक कैलीग्राफी है, जब ये इन लोगों के पास वो पेपर वेपर नहीं था तो ये लोग पत्थरों पे ये लिखा कर देते, एक कैलीग्राफी है, पूरी की पूरी कैलीग्राफी है ये, आप देख सकते हो। यहाँ पे भी आप देख सकते हो किस तरीके से ये कैलीग्राफी लिखते थे, और किस तरीके से इन लोगों ने ये पत्थर तराशा था। और यहाँ पे भी इस पे कुरान लिखा है इन पत्थरों पे, जब हमें ये बोला करते थे कि जब वहाँ पे अरब में ये पेपर नहीं थे तो वो पत्थरों पे वो कुरान लिखते थे, तो पत्थरों पे एक माने का यही है कि ये जो पत्थर है यहाँ पे इन पे पूरा का पूरा जो कुरान है लिखा हुआ है, और थोड़ी जो अरबिक लैंग्वेज है उन वो भी इन लोगों ने वहाँ यहाँ पे अच्छी तरीके से लिखी है, ओल्ड स्क्रिप्टर जैसे। हाँ, ऐसे किचन हुआ करता था, आप देख सकते हो अरबन पेनिनसुला ऐसे। और ये आप देख सकते हो ये वाला, यहाँ पे इस पर शायद ये कोई कुछ चीज़ बनाते होंगे ऐसे। और ये वाला बहुत ये कापर का है, इस पे कोई चावल वावल वो बनाते होंगे, या कोई पानी शानी गर्म करते होंगे, अला बेहतर जानता है। पुरानी जो आर्मी हुआ करती थी अब्दुल अज़ीज़ की जो आर्मी हुआ करती थी वो है ये, और उस्मानिया का भी है थोड़ा सा रखा हुआ उनका, जो क्या बोलते हैं उसको ओटोमन अम्पायर का, ये पूरा इधर एक ये पूरा ओटोमन अम्पायर का है, और ये अब्दुल अज़ीज़ का। ये इसका है, ये वाला इसका महल है, ये अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे अंदर, इस साइड से जाना पड़ेगा सीधा सीधा। हाँ,
ये एंट्रेंस है, इन लोगों ने बनाया है। ये थोड़ा सा एग्जीबिशन रखे है बुक शॉप्स का, थोड़ा साइलेंट है बहुत ज़्यादा। ये आप देख सकते हो, ये है कुरान, जो ओल्ड कैलीग्राफिक कुरान है ना, कैलीग्राफिक जो अरबी में ये लिखा करते थे, ये वैसा है, आप ये देख सकते हो। और आप यहाँ पे इनका जो बहुत कुछ सामान हुआ करता था, जो किंग किंग के लिए हुआ करता था, ये सामान है ये पूरा, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। ये है पूरा, ये प्लेट्स है, या ये क्या बोलते हैं, फूलदान, हाँ फूलदान है ये, और ये प्लेट्स व्लेट्स और ग्लास व्लास जो वो किंग यूज़ किया करता था। और ये है कुरान शरीफ, ये पुराना कुरान शरीफ है, जो कि बहुत 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 ज़्यादा पुराना है ये, आप देख सकते हो। ये कुरान शरीफ है यहाँ पे, ये म्यूज़ियम नहीं है, ये किंग जो किंग अब्दुल्ला है उसका महल है। ये पुराने नोट्स है जो पुराने ज़माने में यूज़ हुआ करते थे ये वाले, फिर बाद में इनको थोड़ा अपग्रेड करते करके अभी इससे बेहतर थोड़ा बनाया हुआ है। और ये भी जो डिनर सेट था या कुछ ऐसा, उसके लिए यूज़ हुआ करता था। और यह है अप्रिसिएशन के लिए, कभी कभार ये ऐनक है इसका, और वो थोड़ा मेडल्स है यहाँ पे पूरा रखा हुआ है आराम से। तो आपको मैं हर चीज़ दिखाऊंगा यहाँ पे, क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है आपको मैं दिखाऊंगा। और ये पुराने ज़माने का जो डॉक्टर्स हुआ करते थे उनका जो किट है वो ये है। और ये भी वॉचेस, थोड़ा वॉच रखे हैं, मेडल्स रखे हैं, और ये दूरबीन जो मैं वो देखा किया करते थे ऊपर, दुश्मनों को आया हुआ है नहीं, बाहुबली में आपने देखा होगा। और ये उसके पुराने जो सूट सूट्स है वो है, ये पूरा प्रिंस का है, जो प्रिंस रहता था इधर, उसी का पूरा पूरा ये सामान है, ये इसका ये तोप है, ये क्या बोलते हैं इसको, कमल का पता नहीं क्या है यार, ये पूरा पूरा का पूरा इन लोगों ने संभाल के रखा है अपने किंग का। और यहाँ पे एक और कुरान शरीफ है, जो कि हाँ ये पाकिस्तान से आया है ये वाला कुरान, और ये थोड़ा प्लास्टिक पेपर है ना, उससे लिखा हुआ कुरान शरीफ है यहाँ पर। तो आप और यहाँ पे एक और चीज़ है आपको मैं दिखाऊँगा, ये वाला ये लोग इसका कहाँ यूज़ किया करते थे वो मुझे मालूम नहीं है, बट या ये जो बंदूक से या कुछ ये जंगों में ही यूज़ हुआ करते थे। और ऊपर से यहाँ पे ये भी एक हथियार ही है यहाँ पे, और ये जो ये है ना, ये मॉडल है, चाहे गोल्डन है या पता नहीं, गोल्डन या कॉपर का है, ये पूरा मॉडल बना है इस महल का, जो ये पूरा महल इधर है, इस महल का ये पूरा मॉडल बना हुआ। यही कुछ था इस वीडियो में, आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो दूसरों के साथ शेयर करें और लाइक करें, और लाजमी मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और दूसरों के साथ भी शेयर करें मेरे चैनल को भी, और मुझे भी अपने दुआ में याद रखो। और बाकी वसलम, और मिलता हूँ अगले एक नई व्लॉग के साथ, अगले एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने अहल आयाल का ख्याल रखें और ख़ुश रहें। बाकी वसलम, सलाम अलैकुम।